माशाल्लाह। नाउ आज के प्रोग्राम की सदारत के लिए मैं हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर अंसारी मोहम्मद हारून मोहम्मद रमजान सर का नामे नामे इंस्टाग्रामी पेश करती हूँ, जो आज यहाँ मौजूद नहीं है, और उसी के साथ सर की इजाज़त से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा देते हैं। और गुलपोशी के लिए मैं आवाज़ दूंगी रुमाला मैडम को, कि वह हमारे कोऑर्डिनेटर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सलमा अब्दुल सत्तार मैडम की कृपा से निभाए अपनी दस्तावेज। एक बार फिर मैं रुमाला मैडम को आवाज़ दूंगी कि वो हमारे आए हुए मेहमान डॉक्टर लुंडा अब्दुल सलाम मैडम की कृपा से सिस्टर मनीषा जगताप मैडम की भी खिदमत में बुलाएंगे। और मैडम से फिर एक दफा दरख्वास्त करती हूँ कि स्वर्णा मैडम की कीमत में भी मुझे आई करें। इसी के साथ रिजवाना मैडम की कीमत में भी और लास्ट में सैयदा मैडम की कीमत में भी मुझे आई पेश करते हैं। Dr. Rumana Madam for aims and objectives of today's program. आज के प्रोग्राम की सजा ऑनरेबल प्रिंसिपल डॉक्टर अंसारी मोहम्मद हारून सर, जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, हमारे आज के प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सलमा अब्दुल सत्तार साहब और नीमा हेल्थ सेंटर से आए हुए तमाम ही मौजूद मेहमानान, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हमारे दरमियान नीमा हेल्थ सेंटर से डॉक्टर्स और उनका स्टाफ आया हुआ है, और हमारे जो आज के प्रोग्राम का जो मकसद है, कोविड-19 वैक्सीनेशन अवेयरनेस कैंपेन, और इसकी ज़रूरत हमें क्यों इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का हमारा जो मकसद है, क्योंकि वैक्सीनेशन के ताल्लुक से आम लोगों के दरमियान में बहुत सारी मिसकंसेप्शन है। आपको पता होगा ना कितने बच्चों ने वैक्सीनेशन लिया इसमें से? वेरी गुड, ज़्यादातर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स उनके दरमियान में गलत फहमियाँ पाई जाती है, तो उसी गलत फहमियों को दूर करने के लिए हमने जो है वो नीमा हेल्थ सेंटर के स्टाफ को मदद किया है कि वो आपकी जितनी भी गलत फहमियाँ हैं या आपके जो भी मफरूज़े हैं उसको दूर करेंगे। और वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको तकलीफ में डालना। साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि वैक्सीन क्यों ली जाती है, इसलिए कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए। अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं, आज से तकरीबन 80-90 साल पहले पूरी की पूरी बस्तियाँ, पूरे के पूरे शहर तबाह हो जाते थे, अमवात हो जाया करती थी। कुछ जानलेवा बीमारियाँ ऐसी थी जैसे टीबी, ताउन वगैरह, लेकिन आज आप देखते हुए सारी बीमारियों पर कंट्रोल किया जा चुका है, दे आर कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। किस वजह से? क्योंकि इनके वैक्सीन दरियाफ्त हो चुकी हैं। इसी तरीके से पिछले 1.5-2 साल से पूरी दुनिया जो है वो एक आलमी वबा से जूझ रही है। आपको पता है कोविड-19 या कोरोना वायरस जो हमारे लिए बिल्कुल एक खौफनाक नाम बन चुका है, हर कोई डरता है और डरने की चीज़ भी है, क्योंकि बहुत सारी हंसती खेलती फैमिली खानदान तबाह हो चुकी हैं उस बीमारी की वजह से। लेकिन कहते हैं ना, एवरी प्रॉब्लम हैव सॉल्यूशन, तो इंसान ने जो उसका भी तोड़ दरियाफ्त किया
वैक्सीनेशन को दरियाफ्त किया और बड़े जोर शोर से आलमी पैमाने पर वैक्सीनेशन का काम जारी है और हिंदुस्तान में भी जो वैक्सीनेशन की मुहिम जारी है, थोड़ा हमारे गांव पीछे है इस सिलसिले में, लेकिन अभी जो है हमारे गांव कॉर्पोरेशन हरकत में आ गई है और उसके इश्तराक से जो तमाम स्कूल और कॉलेजेस में जो वो ये मुहिम जोरों शोर से शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह हम लोग इसको कामयाब बनाएंगे। तो मैं जेटी ट्रस्ट प्रिंसिपल एंड स्टाफ और जेटी सीनियर कॉलेज इन सब की जानिब से नीमा हेल्थ सेंटर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि लोगों ने हमें अपना वक्त दिया और आइंदा इंशाल्लाह सैटरडे को जो है हमारे कॉलेज में वैक्सीनेशन कैंप मुनक्किद किया जाएगा। तो यही स्टाफ आप जो देख रहे हो यही लोग यहाँ पर आएंगे और स्टूडेंट्स के साथ साथ अगर आपके घर में जो भी खवातीन है 18 साल से ज़ायद उम्र की, आपकी बहनें, चाची, खाला, वालदा, नानी, दादी, कोई भी रिश्तेदार को आप ला सकते हो। सिर्फ शर्त ये है कि उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए और साथ में जो आपको एक आधार कार्ड का जेरोक्स लाना है। और स्टूडेंट्स मैं आपको कहूँगी जाते जाते कि आप लोग वैक्सीनेशन ले लीजिए क्योंकि आइंदा जो है वो हर चीज़ में आपको दिक्कत आएगी अगर आप वैक्सीन नहीं लोगे तो, सफ़र नहीं कर सकते हो, हर चीज़ के लिए जो वो वैक्सीनेशन का होना ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोग अपने घर में भी कन्विंस कीजिए और आप लोग भी दीजिए। शुक्रिया। डॉक्टर सलमान अब्दुल सत्तार मैडम फॉर प्रेसिडेंशियल स्पीच। सबका मुंह आएगा तो अस्सलाम वालेकुम। ऑनरेबल प्रेसिडेंट, हमारे प्रिंसिपल साहब जो मसरूफियत की बिना पे अभी हाजिर नहीं हो सकते, हमारे नीमा का पूरा स्टाफ, डॉक्टर अलका भावसार मैडम, डॉक्टर खान रुमाना मैडम, भावसार मैडम जो है कहीं बिजी हैं, मैडम ने बताया इसलिए नहीं आ सकी, डॉक्टर अंसारी फरजाना मैडम, डॉक्टर उमैरा मैडम एंड डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग देख रहे हो बच्चों, तो यहाँ पे नेशनल सर्विस स्कीम हमारा NSS यूनिट जो है उसकी जानिब से ये प्रोग्राम, साथ ही साथ बोर्ड ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं, इन दोनों की जानिब से जो इस तरह के प्रोग्राम जो है आगे भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और किए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अहम जो है, आप देख रहे होंगे कि हमने कोलैबोरेशन की है, दिस इज कोलैबोरेशन कोलैबोरेटिव एक्टिविटी विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन द कोलैबोरेशन ऑफ नीमा फर्स्ट मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मालेगांव, इसकी जानिब से ये एक स्पेशल कंपेनिंग प्रोग्राम है और जिसको हमने नाम दिया है, आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि मिशन युवा स्वास्थ्य, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मिशन है जिसमें के वैक्सीन अवेयरनेस कंपेन आज की जा रही है और इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी हम लोग सैटरडे को एक प्रोग्राम रखेंगे, वो वैक्सीनेशन का डे रहेगा। उस दिन 18 साल या उससे ऊपर के सब जो है एडल्ट लोगों को यहाँ पे वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो वो एक स्पेशल ड्राइव जो है, वैक्सीनेशन ड्राइव सैटरडे को होगा। तो जैसा कि रुमाना मैम ने कहा है, मैं भी आप सब से अपील करती हूँ कि आप सब खुद भी आइए और मैम ने कहा है रिश्तेदारों को तो लाना ही है, पास पड़ोस की खाला, चाची, नानी, दादी, जो जो आए सबको लेके आइए और बहुत बड़े पैमाने पे हम अवेयरनेस का ना सिर्फ आज जाके घर पे काम करेंगे बल्कि सैटरडे को हम सब लेके आएंगे। जहाँ तक बच्चों इस बीमारी का ताल्लुक है, मैम ने तो पूरा डिटेल दिया ही है, पर मैं बताती चलूँ कि जिस वक्त मैं आप हम सब लॉकडाउन में घर पे जो है थोड़े डरे हुए, थोड़े सहमे हुए, बट एंजॉयमेंट के मूड में थे, एंजॉय कर रहे थे, ऐसे वक्त में ये कोरोना वॉरियर्स ये लोग काम कर रहे थे और ये कोरोना वॉरियर्स अपना घर बार, अपने बाल बच्चे छोड़कर अब किस तरह से फोर फ्रंट पे ये काम कर रहे थे। तो हम सब की जानिब से जेटी ट्रस्ट, जेटी मैनेजमेंट, जेटी प्रिंसिपल, स्टाफ, स्टूडेंट्स, NSS यूनिट,